मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडियन नेवी के नॉन कमीशन कैटेगरी के, ऑब्वियसली INS चिल्का सेंटर के विषय में, उसके ओवरऑल सिस्टम पैटर्न, डिवीजन, ब्रांचेज, वर्किंग, कितने दिन का आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, टोटल शिप्स कितनी हैं, शिप के अंदर एज आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एज SSR, एज MR, एज NMR आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर उस एकेडमी का और इस शेड्यूल का हमें हिस्सा बनना है तो अपने जीवन से, अपने स्वयं से एक प्रश्न आज पूछने की जरूरत है, क्या आप अपने निजी जीवन में इस तरह का शेड्यूल, इस तरह का प्रोसीजर लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और अगर चल रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई सफल होने से रोक नहीं पाएगा। कहते हैं कि जमीन पे तो ऑप्शन होता है बचने और ना बचने का, बट कहते हैं बट पानी के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्क नहीं लिया जा सकता है। आई थिंक अगर हम परफेक्शन वर्ड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो इंडियन नेवी से सीखना चाहिए। और कि फौज की जो जिंदगी है ना, जो लाइफ है, जो मोमेंट है, शायद वो नहीं कमाया जा सकता। आप कितना भी कमा ले दुनिया में, बट शायद उस जिंदगी को पाना आसान नहीं है। उसको पाने के लिए तो मैं यार अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आपको वहाँ ले जाने की मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आपके आत्मविश्वास को बनाए रखने की, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है यार कि आप भी पूरी ताकत लगा दो। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका, और ऑब्वियसली इस तरह लगातार हमारा जुड़ाव बनता जा रहा है और आपकी, मैं कह सकता हूं कि लगातार फरमाइशें आती जा रही हैं, जिसके वजह से मैं कंटिन्यूस वन बाय वन आपको हर मुद्दे पे कई सारे वीडियोस ला रहा हूं। तो इसी सीरीज में मैंने अगली सीरीज शुरू की है, जिसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं भारत के अंदर हर एकेडमी, चाहे वो कमीशन कैटेगरी की हो चाहे नॉन कमीशन कैटेगरी की हो, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसका सिस्टम क्या है, ओवरऑल फंक्शनिंग क्या है। आखिर आप पहले दिन जब पहला पग रखते हैं तो पहले पग से लेकर के अंतिम पग तक की जो जर्नी आपकी है वो कितनी खूबसूरत है, कितना बेहतर है, इन वीडियोज के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन के लिए भी ये जरूरी है और इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। जिस तरह क्रम से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस वीडियो से पहले आप एयरफोर्स एकेडमी की मेरी पूरी वीडियो देखे होंगे, जो कि आपको समझाएगी कि आखिर एकेडमी के अंदर एक कैडेट का जीवन क्या होता है। उसी कड़ी में आज मैं आगे बढ़ने वाला हूं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इंडियन नेवी के नॉन कमीशन कैटेगरी के, ऑब्वियसली INS चिल्का सेंटर के विषय में, उसके ओवरऑल सिस्टम पैटर्न, डिवीजन, ब्रांचेज, वर्किंग, क्योंकि आज का डिस्कशन आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को भी लेके होगा, नेवी SSR को भी लेके होगा, MR को भी लेके होगा और NMR को भी लेके होगा, और कैसे रोल हैं, किस तरह से डिवीजन में आप डिवाइड होते हैं, कितने दिन का आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, ट्रेनिंग कितना मायने रखती है आपके जीवन में, ट्रेनिंग के बाद आपको कैसे रिक्रूटमेंट मिलते हैं, आखिर टोटल शिप्स कितनी हैं, शिप के अंदर एज आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एज SSR, एज MR, एज NMR आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं हर टेक्निकल प्रोस्पेक्ट को आपके सामने कवर करूंगा और बहुत खूबसूरत जर्नी होगी, बिल्कुल बने रहिएगा। कोशिश मेरी यही होगी कि इस पूरी की पूरी एकेडमी का सजीव चित्रण मैं आपको दे सकूं, जिसे देख के कमाल का मोटिवेशन है, और लगातार आप जो वीडियोस और इमेज हमारे बगल में देखेंगे ऑब्वियसली आपके लिए एक बेहतर मोटिवेशन का काम करेंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। कहते हैं INS चिल्का लोकेटेड एट खुर्दा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा में जो है आपका INS चिल्का का जो है सेंटर है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी। अगर हम एकेडमीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली INS चिल्का का नाम बार बार जवान पे आता है, और आई थिंक इंडियन नेवी की ट्रेनिंग के लिए सबसे परफेक्ट और सबसे प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो INS चिल्का की हम बात करते हैं। अ कंप्लीट सेट ऑफ क्लॉथिंग आइटम इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म, बेड रोल्स, सूटकेस, ETC आर इशूड टू ऑल ट्रेनी ऑन द रिपोर्टिंग। जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं INS चिल्का सेंटर के अंतर्गत, तो बेसिक चीज़ें बच्चे हमेशा पूछते हैं सर बेसिक प्रोसीडिंग क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपके बेड रोल्स हो गए, आपके यूनिफॉर्म हो गया, आपका सूटकेस हो गया, जितने भी इंक्लूडिंग आइटम्स हैं जो कि एकेडमी की तरफ से आपको मिलते हैं, विद इन 2 डेज आपको सबसे पहले जो है वो अलॉट होते हैं, उसके बाद ही आप एकेडमी में ट्रेनिंग प्रोसीजर का हिस्सा बन पाते हैं। आइए थोड़ी सी डिटेलिंग समझते हैं कि आखिर आपको कैसे ट्रेन किया जाता है। ईच डिवीजन इज हेडेड बाई डिविजनल कमांडर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर। जो वहाँ के डिवीजन होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडियन नेवी के अंतर्गत टोटल 10 डिवीजन हैं, जिनकी मैं बात करूंगा आखिर वो 10 डिवीजन कौन कौन से हैं आपके। इन 10 डिवीजन्स को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिंगल सिंगल डिवीजन को, ईच डिवीजन को लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो इसको पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं। ऑब्वियसली जब हम लेफ्टिनेंट कमांडर की बात करते हैं तो फौज में आप इसको मेजर रैंक का, जैसे आप आर्मी के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो जो मेजर के इक्वल रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट कमांडर की रैंक होती है, जो हर डिवीजन को मॉनिटर करते हैं। अब उसी डिवीजन के अंतर्गत कहा जाता है कि वन मास्टर जो है सेफ पीटी ऑफिसर होते हैं, वन मास्टर सेफ पीटी ऑफिसर जो कि ट्रेनिंग में हर डिवीजन का पार्ट बनते हैं। ऑब्वियसली सूबेदार मेजर साहब के रैंक के होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं वहां पे वन मास्टर सेफ पीटी ऑफिसर। पहले क्योंकि
हर डिवीज़न में 4 से 5 क्लासेस भी होती हैं, तो उसको भी सूबेदार जो है रैंक के जो हमारे लोग होते हैं उनको आप कह सकते हैं वहाँ पर फौज के अंदर। 5 जो है चीफ पिटी ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपको हर डिवीज़न को कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट कमांडर तक और अपने 1 चीफ जो पिटी ऑफिसर हैं उन तक मॉनिटर करने का पूरा बेहतर ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का एक प्रोसेस होता है। तो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर मेजर रैंक का, फिर उसके बाद जो 1 चीफ जो है पीटी ऑफिसर है जो कि सूबेदार मेजर रैंक का, और फाइनली जितने भी हमारे जो है डिवीजन की क्लासेस बढ़ जाती है जो कि 4 to 5 क्लास होगी। शायद अभी डिटेल उतना आप ना समझ पा रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे आप समझ पाएंगे डिवीजन क्या है, डिवीजन के अंदर क्लासेस क्या है। तो उसके बाद जो है आपके 4 से 5 क्लासेस एक डिवीजन के अंतर्गत होती हैं और उसको जो है ऑब्वियसली चीफ पीटी ऑफिसर्स के अंतर्गत में दी जाती है जो अगेन रैंक के होते हैं। जानते हैं द डिवीजन आर नेम्ड आफ्टर हीरोज फ्रॉम द इंडियन मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री। जितने भी डिवीजन का नाम रखा गया अमूमन जैसे कि आपने एयरफोर्स एकेडमी में देखा कि जितने भी हमारे स्क्वाडन थे उनके नाम कहीं ना कहीं हमारे जो है एयर चीफ के नाम पे बेस था, या किसी ने कुछ ऐसा कमाल किया है एयरफोर्स के अंदर उनके नाम पे बेस था। बट वहीं इसी पैटर्न से बिल्कुल उलट हम देखें तो इंडियन नेवी में जो ये 10 डिवीज़न के नाम रखे गए वो मैथोलॉजी और हमारी हिस्ट्री में जिन लोगों ने कुछ बेहतर किया है हमारे देश समाज के लिए ऑब्वियसली उनके नाम के आधार पर इन डिवीज़न का नाम रखा गया। आइए जानते हैं वो डिवीज़न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो 10 डिवीज़न है वन बाय वन आप देखते जाएंगे, आपका अभिमन्यु डिवीज़न हो गया, आपका अंगद डिवीज़न हो गया, आपका जो है आगरे डिवीज़न है जो कि आगरे ऋषि के नाम पे है, अर्जुन डिवीजन है, अशोक डिवीजन है, आजाद डिवीजन है, एकलव्य डिवीजन है, माराकर डिवीजन है और शिवाजी डिवीजन है, और पहले लिए आपका अकबर डिवीजन है। इस तरह 10 डिवीजन आपके हो गए। हर डिवीजन के अंदर क्लासेस होती हैं जो कि 4 to 5 क्लास होती हैं, दैट मीन हर डिवीजन है डिवीजन के अंदर 4 to 5 क्लास है। अब इसको और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन आईएनएस चिल्का 9 वीक फॉर द आर्टिफिशियर अप्रेंटिस। अब जैसे कि आप जानते हैं आईएनएस चिल्का के अंतर्गत जो आर्टिफिशियर अप्रेंटिस की बेसिक ट्रेनिंग शेड्यूल की गई वो 9 वीक की गई। अब आर्टिफिशियर अप्रेंटिस में 2 तरह की एंट्री, एक तो 10+2 साइंस बैकग्राउंड से आप एंट्री करते हैं, या पहले ही आप DEDH मतलब डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो होता है उनके थ्रू भी जो कैंडिडेट आते हैं इनको बेसिक 9 वीक की पहले ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जहां आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए बेसिक ट्रेनिंग का 9 वीक का क्राइटेरिया है वहीं पर पहले 14 वीक का है एमआर और एनएमआर के लिए। मैट्रिक रिक्रूट्स जो हैं उनके लिए भी 14 वीक का है, और जो नॉन मैट्रिक रिक्रूट्स हैं जैसे कि आप जानते हैं 10th स्टैंडर्ड तक एमआर की एंट्री ली जाती है और 8th स्टैंडर्ड तक एनएमआर की एंट्री ली जाती है नॉन मैट्रिक रिक्रूट, इनका 14 वीक का ट्रेनिंग होता है डिवीजन के अंतर्गत। पहले लिए अगर हम बात करें 22 वीक्स फॉर द SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की बात करें तो 22 वीक्स मतलब 22 वीक का इनका ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। तो आप मोटा मोटा दिमाग में रखेंगे AA बेसिक ट्रेनिंग 9 वीक की हो गई, MR NMR आपका 14 वीक हो गया और SSR आपका 22 वीक्स हो गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स इज अ ट्वाइस इन ईयर, जैसे कि आपको पता है कि इस कोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है साल भर में वो 2 बार होती है, 2 बार क्रेडिट लिए जाते हैं। ऑल अराउंड जो साल भर की टोटल एंट्री मानी जाती है वो 4500 से लेके 5000, दैट मीन 4500 से लेकर के 5000 कैंडिडेट होते हैं जो हर साल ऑब्वियसली सी वैरियर्स बनते हैं ईच ईयर एंड ऑब्वियसली इस देश का भी नाम करते हैं। और एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है इन आम बच्चों का जब एक ट्रेनिंग के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वाकई में सी वैरियर के रूप में इंडियन नेवी को सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मोटा मोटा आपके जहन में क्लियर हो चुका है कि 2500 वैकेंसी हर चांस में, क्योंकि साल भर की बात हो रही है तो 2500 आपका 6 मंथ का और 2500 आपका 6 मंथ का, अराउंड 5000 ट्रेनिंग होते हैं जो कि हर साल इंडियन नेवी INSCIL का सेंटर पर ट्रेन करती है और फाइनली उनको सी वैरियर बनने का हिस्सा बनती है। गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसी है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा हर साल प्रॉपर तरीके से जनरेट की जाती है और एंटर की जाती है। कहते हैं थोड़ा सा आते हैं कि ट्रेनिंग कैरिकुलम कंसिस्ट फॉर द फॉलोइंग शेड्यूल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आखिर ट्रेनिंग के दौरान क्या शेड्यूल, इसको समझना जरूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपके जहन में क्लियर हो गया है, अभी थोड़ा और क्लासिफिकेशन मैं करूंगा तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर डिवीजन के अंतर्गत कितने लोग होते हैं। तो कहा जाता है एक डिवीजन के अंदर अराउंड 250 की स्ट्रेंथ कैरी होती है, दैट मीन 250 बच्चे जो है एक डिवीजन के अंदर होते हैं। तो लाजमी सी बात है 10 डिवीजन है तो 2500 हो गए, फिर अगले 6 महीने में 2500 हो गए। बट जहां ये डिवीजन में 250 बच्चे होते हैं तो इनको क्लास में भी बांट दिया जाता है। जब इनके क्लास की बांटने की बात आती है तो समझेंगे कि आफ्टर रिपोर्टिंग इनिशियल 2 डेज विल बी क्लॉथिंग इशू डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल चेकअप अलॉन्ग विद द वैक्सीनेशन। जैसे शुरुआती 2 दिन में पहुंचते हैं तो सारा का सारा आपका मेडिकल चेकअप, वैक्सीनेशन, क्लॉथिंग इशूज, जितने भी चीज़ें रहती हैं वो आपकी शॉर्ट आउट की जाती हैं। ऑल कैंडिडेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 डिवीजन, आपको 10 डिवीजन में बांट दिया जाता है। ईच डिवीजन विल हैव 250 सेलर्स, मतलब आपका 250 सेलर हर डिवीजन के अंतर्गत होते हैं। इन ईच डिवीजन 50 सेलर ट्रेनिंग विल बी डिवाइडेड इनटू अ क्लास, फिर उन्हीं डिवीजन्स के अंदर 5-5 क्लासेस बांट दी जाती हैं और हर क्लास के अंदर 50 जो है
ट्रेनी कैंडिडेट्स को रखा जाता है। द डिविजन अलॉटेड सेलर ट्रेनी विल बी प्री डिसाइडेड, और ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है। अब आपको मोटा मोटा समझना है कि एक डिवीजन उसमें से 5 क्लास। तो अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आखिर स्ट्रेंथ क्या होती होगी, तो अमूमन जो देखा गया है कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का एक बैच 50 का, एमआर और एनएमआर दोनों मिला करके एक बैच 50 का, रेस्ट 3 बैचेस जो होते हैं वो एसएसआर के होते हैं। इससे पता चलता है कि एसएसआर में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और कहीं ना कहीं एमआर और एनएमआर से ज़्यादा होंगे। मोटा मोटा आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। पहले नहीं दूसरे में भी यही देखने को मिलता है कि एक आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का बैच हो गया 50 का, एक बैच आपका जो है पहले जो है एनआर एमएनएमआर और एमआर मिला के हो गया, रेस्ट आपके 3 बैचेस फिर से एसएसआर के हो गए। तो ये क्राइटेरिया है जो पूरा नंबर ऑफ वैकेंसीज को वहाँ होल्ड करता है। आइए शेड्यूल जानते हैं आखिर ट्रेनिंग सेंटर का ओवरऑल शेड्यूल क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे एक्साइटेड मोमेंट की जब मैं बात करता हूं तो ये सबसे पहली चीज मेरे सामने निकल के आती है। मैं बहुत क्रमशः इंटरेस्टिंग पूरी की पूरी ब्रीफिंग आपको लेके चलूंगा, तो हर बात बेहतर ढंग से समझते चलिएगा। इट विल रियली टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। आज जितने भी डाउट या कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होंगे बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा। जहां भी कोई डाउट आपको नजर आए, कोई कंफ्यूजन नजर आए, कमेंट बॉक्स में आके उस बात को रखिए। मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मेरा पूरा ये कहीं नहीं कहीं अब जिम्मेदारी मैंने ले ली है इस चीज की कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी फॉर्स रिलेटेड जिसके विषय में आप कंफ्यूज होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी होगी बीइंग अ सौरभ सिंह कि आपका 100% हर तरह के इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया क्लियर करूं। आइए ट्रेनिंग शेड्यूल समझते हैं, वो इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है जो ऑब्वियसली एक आम छात्र को इंडियन नेवी में एज ए सेलर अपॉइंट करा देता है, एक जेंटलमैन कैडेट के प्ररूप में उनको कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहला शेड्यूल, वेकअप टाइम एट 4 AM, तो ऑब्वियसली सुबह 4 बजे उठने का टाइम है। फिजिकल ट्रेनिंग सेशन जो होता है अगेन 4:45, मतलब 4:45 से लेकर के 6 AM तक है। ब्रेकफास्ट टाइम 6 to 7 आपका होता है, जिसमें ब्रेड, मिल्क, एग्स एंड अदर कोर एलिमेंट जो जरूरी होते हैं। आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट द फूडिंग स्टैंडर्ड इन द नेवी, इट्स आई थिंक वर्ल्ड क्लास। ये हम एक बात बड़े गर्व के साथ कहते हैं। क्लासेस आपके 7 to 1 PM है, जिसके अंदर ड्रिल भी है, स्विमिंग भी है और आपके एकेडमिक्स भी हैं। दैट मीन तीन की तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं 7 to 1 जो आपका एकेडमिक सेशन वहाँ पे होता है। 1 to 2 आपका लंच पीरियड है, अगेन 1 बजे से 2 बजे तक आपका लंच पीरियड होता है। अगेन 3:30 इवनिंग से आपका बिपन ट्रेनिंग, फिजिकल, एंड्योरेंस, एकेडमिक सारी चीज़ें क्रमशः शुरू हो जाती हैं। डिनर 8:30 to 9:30 रहता है, 8:30 to 9:30 आपका डिनर टाइम है। अगेन 9:30 पे आपका जो है नाइट रोल कॉल हो जाता है। फिर फाइनली मेंटेनेंस टाइम 10 to 10:30 का रहता है, जिसमें आप पुनः तैयारी करते हैं, कल के पूरा ड्रेसिंग को अपने तैयार करते हैं, अपने शूज को रेडी करते हैं, अपने आप को अप टू द मार्क करते हैं। तो जिंदगी कितनी प्लान्ड और कितनी एग्जीक्यूटेड है, और ये प्रश्न तो बनता है यार, अगर उस एकेडमी का और इस शेड्यूल का हमें हिस्सा बनना है तो अपने जीवन से, अपने स्वयं से एक प्रश्न आज पूछने की जरूरत है, क्या आप अपने निजी जीवन में इस तरह का शेड्यूल, इस तरह का प्रोसीजर लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और अगर चल रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आपको कोई सफल होने से रोक नहीं पाएगा, और नहीं चल रहे हैं तो कहने से नहीं होगा यार, ये तो करने से ही होगा, फॉलो करने से ही होगा, इसको एक्सेप्ट करने से ही होगा। फाइनली 10:30 पे आपका लाइट ऑफ हो जाता है और आपका नाइट सोने का टाइम शुरू हो जाता है। पहले भी और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसीजर के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं सर और कैसे कराई जाती है। तो सबसे अहम चीज कि मिनिमम 3 क्रॉस कंट्री ट्रेनिंग जो है के दौरान ही आपके मिनिमम 3 क्रॉस कंट्री है। 14 किलोमीटर की जो आपका रनिंग है वहां पर मिनिमम 3 क्रॉस कंट्री है जो कि आपके इंडियन नेवी के अंतर्गत आपको ऑर्गेनाइज की जाएंगे। इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन और कैंप जागृत को हम कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक इंडियन नेवी की ट्रेनिंग में सबसे अहम प्रॉस्पेक्ट अगर कोई है तो कैंप जागृत है। हर डिवीजन इसमें पार्टिसिपेट करता है और हर डिवीजन के रैंकिंग, ग्रेडिंग और परफॉर्मेंस उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो मायने रखता है कि हर तरह का जो इवेंट, इनहेरेंट इवेंट आपके एकेडमी के अंदर हो रहे हैं, तो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से टकराता है और अपनी रैंक को होल्ड करता है। और कहीं ना कहीं छात्रों में कह सकते हैं, उन सारे के सारे ट्रेनिंग कैडेट्स में एक जज्बा होता है कि वो अपने डिवीजन को हमेशा टॉप पे रखना चाहते हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जानते हैं तो क्या क्या है जो कैंप जागृत है। कहते हैं कि एंड्योरेंस रन, आपका सबसे पहले एंड्योरेंस रन, दौड़ने की क्या क्षमता है आपके अंदर। ऑब्स्टिकल कोर्सेज आपको वहाँ पर कराए जाएंगे। सीमैनशिप एवोल्यूशन, ऑब्वियसली सीमैनशिप एवोल्यूशन का भी पूरा का पूरा आपको ट्रेनिंग होगा, जिसमें स्विमिंग से लेके अन्य टास्क जो होते हैं सी के अंतर्गत वो आपको करने का मौका मिलेगा। लैंड फाइटिंग भी आएगा, क्योंकि अब इंडियन नेवी काफ़ी मजबूत है तो लैंड फाइटिंग कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया। टग ऑफ वॉर, जैसे कि आप रस्साकस्सी के विषय में भी जानते होंगे, ये ऐड किया जाएगा। टेंट पिचिंग, टेंट को क्योंकि कैंप लगा है तो टेंट पिचिंग के भी आइडियाज आपको आएंगे। फायरमैन लिफ्ट, जैसे कि आप समझते हैं फौज में एक अहम होता है, तो ऑब्वियसली हम अपने फौजी भाई को पीछे लेके चलना होता है, भागना होता है और हर परिस्थिति में उन्हें साथ लेके लड़ना होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फायरमैन लिफ्ट की बात आती है। एंड फाइनली जोश रन, क्योंकि वो सबसे अहम है और कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की जो लाइफ है,
जो एफर्ट्स हैं वो काफ़ी टाइट हैं और काफ़ी टाइट ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, जिसके दम पे वो फौलाद जैसी शरीर और फौलाद जैसा फौजी पैदा होता है जो हमारे इंडियन नेवी में सर्विस करता है। पहले लिए आपको जानना चाहिए कि द ऑल द अबव कॉम्पिटिशन आर एमंग ऑल 10 डिवीजन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर। 10 के 10 डिवीजन सेंटर में ये कॉम्पिटिशन होती है और आपको वहाँ बेहतर रैंक लेना होता है। बच्चे का एक बड़ा प्रश्न था कि सर जो ट्रेनिंग हमारी चलती है, जैसे कि आपने डिफाइन किया कि जो है 14 वीक हो गया सर, 9 वीक हो गया एंड 22 वीक्स हो गया, तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हर मंथ आपके जो एरियर्स हैं, जो सैलरी है वो आपकी बनती जाती है और फाइनली पासिंग आउट परेड पे वो सैलरी जो होती है आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है। तो जैसे ही आप किसी ऑब्वियसली शिप पे ज्वाइन करते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे ही आप अपनी ऑब्वियसली फौज की लाइफ और नेवी की लाइफ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपके अकाउंट्स में वो डिपॉजिट आते हैं। और लाजमी सी बात है कि इसमें ट्रेनिंग शेड्यूल सबका अलग अलग है, जैसे बेसिक शेड्यूल भी आपने देखा ट्रेनिंग का, ए का, एस आर का, एम आर एन आर का अलग है, पहले ही एडवांस ट्रेनिंग शेड्यूल भी अलग अलग होते हैं। तो लाजमी सी बात है कि उस पूरे मंथ को काउंट करके अलग अलग एरियर सबके अकाउंट में प्रॉपर ढंग से डिपॉजिट किया जाता है। कहा जाता है कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस अंडर गो वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज, बिकॉज सबसे टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो इनको वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज से गुजरना पड़ता है एज पर द सर्विस रिक्वायरमेंट। सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से द इंडियन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस डिप्लोमा इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा आपको वहाँ पे प्रॉपर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो मुझे लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी सीरियस स्टडी होती है, जिसके बाद ये चीज़ आप गेन करते हैं। द जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एज पर स्पेशलाइजेशन इंक्लूड वर्किंग ऑन अ स्टीम पावर्ड मशीनरी, डीजल एंड गैस टर्बाइन, पैलेली गाइडेड मिसाइल्स, अदर ऑटोमेटिकली कंट्रोल बीपन सेंसर, आयोनिक इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर एंड हाईली एडवांस रेडियो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। तो मुझे लगता है कि जब हम एक शिप की बात करते हैं तो शिप जगह ही टेक्नोलॉजी की है, जहां हर तरह के सेगमेंट ऐड होते हैं। तो मूलतः इनके चार ट्रेड बनाई गई, जिसको आप AR ट्रेड कहते हैं, AW ट्रेड कहते हैं, AL ट्रेड कहते हैं और फाइनली AE ट्रेड कहते हैं। तो चार ट्रेड हैं जो कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए डिवाइड की गई हैं। मतलब सर AR मतलब आपका एयर रेडियो ट्रेड हो गया, ठीक है ना, पहले लिए आपका AW मतलब एयर बिपन ट्रेड आपका हो गया, पहले लिए आपका एयर इलेक्ट्रिकल AL मतलब एयर इलेक्ट्रिकल आपका AL ट्रेड हो गया, एयर इंजीनियरिंग मतलब आपका AE ट्रेड हो गया। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सेलेक्ट ट्रेनिंग विल बी गो फॉर द जामनगर गुजरात फॉर द एडवांस ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर। इनको जामनगर गुजरात में जाके एडवांस ट्रेनिंग के लिए 2 साल के लिए, बहुत ही रिग्रेस, बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही एग्जीक्यूटेड, बिकॉज कहते हैं कि जमीन पे तो ऑप्शन होता है बचने और ना बचने का, बट कहते हैं बट पानी के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्क नहीं लिया जा सकता है। आई थिंक अगर हम परफेक्शन वर्ड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो इंडियन नेवी से सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग उन्हें उस लायक बनाती है, उस लेवल का तैयार करती है कि कहीं भी 1% रिस्क के चांसेस नहीं होते हैं। पहले लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, सेलर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच आर टेक्नीशियन आर हाईली ट्रेंड मैकेनिक्स हु प्राइड देमसेल्फ ऑन कीपिंग प्रोपल्शन auxiliary system running smoothly on their engine. The beacon system, the aircraft or the machinery system, seller of the branch is also trained in a nuclear, biological, chemical warfare, damage control and including firefighting. तो हर तरह की responsibility से ही आर्टिफिशियल अप्रेंटिस ट्रेंड होते हैं और हर तरह की responsibility को proper ढंग से टेक ओवर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है बींग आर्टिफिशियल अप्रेंटिस अगर आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन रहे हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि क्या एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूँ और वाकई में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का क्या स्वरूप है। तो 2 साल की एडवांस स्पेशल रिग्रेस ट्रेनिंग, जिसको आप कह सकते हैं, जो वाकई में आपको एक इंडियन नेवी का रियल योद्धा के रूप में बना के बाहर लाता है। पहले जब हम SSR की बात करें, कैंडिडेट सिलेक्टेड विल अंडरगो 22 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग, जैसे आपको पता है INSHL का, एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड द अलॉटेड ट्रेड इन वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट। ब्रांच ट्रेड विल बी एलोकेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस। सबको ब्रांच और ट्रेड जैसे ही सर्विस रिक्वायरमेंट होती है और जो भी आपका बेसिक के दौरान ट्रेनिंग प्रोसीजर रहता है उसी के आधार पर आपके ट्रेड डिसाइड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली इंडियन नेवी SSR के लिए बहुत सारे ब्रांचेज हैं, आइए उनके विषय में जानते हैं। जब इंडियन नेवी SSR हम ब्रांचेज की बात करते हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एविएशन, एंटी सबमरीन वारफेयर, सबमरीन वारफेयर, मेट्रोलॉजी, मेडिकल, गनर। SSR सेलर ट्रेनिंग विल बी गो फॉर द INS शिवाजी मुंबई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। ध्यान दीजिएगा, शिवाजी मुंबई, INS शिवाजी मुंबई फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड INS द्रोणाचार्य केरला गनरी फॉर अ टर्म ऑफ 5.5 मंथ। तो 2 तरह का इनका ट्रेनिंग सेंटर हो गया, एक आप समझ रहे होंगे INS शिवाजी मुंबई, जिसके अंदर इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, और पहले ही अगर हम द्रोणाचार्य केरला की बात करें तो गनरी के लिए जो
है आपको वहाँ पे भेजा जाता है। तो 5.5 मंथ की पूरी जो है एक बेहतरीन जर्नी होती है जो आपको एडवांस ट्रेनिंग के तौर पे एसआर के अंतर्गत रहते हुए गुजारनी होती है, और एक अप टू द मार्क एसआर सीनियर सेकंड रिक्रूट बनकर के आप इंडियन नेवी का हिस्सा बनते हैं और अपनी दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करते हैं। वहीं जब हम नेवी एमआर और एनएमआर की भी बात करें तो आपको पता है जितने भी सैफ हैं एमआर कैटेगरी में हैं, स्टूवर्ड हैं एमआर कैटेगरी में हैं, और सैनिटरी हाइजीनिस्ट जो भी हैं वो एमआर कैटेगरी में हैं। बट पहले हम कुक की बात करेंगे तो एनएमआर कैटेगरी में, टोपास की बात करेंगे तो एनएमआर कैटेगरी में। हाइजीनिस्ट विल बी गोइंग टू मुंबई फॉर एडवांस ट्रेनिंग, जो हाइजीनिस्ट हैं वहाँ पे वो मुंबई में जाएंगे एडवांस ट्रेनिंग के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सेलर विल बी पोस्टेड टू वेरियस शिप, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की ट्रेनिंग हो 2 साल की, स्पेशल एडवांस ट्रेनिंग 9 वीक की बेसिक ट्रेनिंग, या फिर वो पहले ही 22 वीक्स की बेसिक ट्रेनिंग हो एसआर की, या फिर उनका 5.5 मंथ का एडवांस ट्रेनिंग हो, पहले ही 14 वीक की बेसिक ट्रेनिंग हो एमआर एनएमआर के, उसके बाद 5.5 मंथ की एडवांस ट्रेनिंग हो जो कि मुंबई में उनका हो रहा है, तो कहने का मतलब ये एनएससी वजी में, उसके बाद इन्हें ऑब्वियसली अलग अलग शिप पे अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो बच्चे का बड़ा अच्छा प्रश्न था, शायद मैं आज वो भी कवर करना चाहूँगा। इस बहाने आप उन सारी शिप्स को यहाँ देख पाएंगे जिनका हिस्सा आप बनने वाले हैं, जिन पर आपकी ज़िंदगी बीतने वाली है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने वाले। मुझे लगता है कि दुनिया में कभी कभी मेरे से लोग बोलते हैं कि सर बहुत कुछ कमा लेना बहुत कुछ आसान है, बट मुझे लगता है कि फौज की जो जिंदगी है ना, जो लाइफ है, जो मोमेंट है, शायद वो नहीं कमाया जा सकता। आप कितना भी कमा लें दुनिया में, बट शायद उस जिंदगी को पाना आसान नहीं है। एक ऐसी जगह जहां जाके महसूस होता है कि आखिर हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी जीवन शैली जिसको जी के लगता है कि आखिर लाइफ वाकई में क्या है। तो आई रियली फील प्राउड इन द ऑल वे टू पार्ट ऑफ इंडियन नेवी, कि अगर हिस्सा होकर के आप वाकई में एक ऐसा एहसास लाएंगे, एक ऐसा फीलिंग लाएंगे जो आपको लगता है मेरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आई थिंक धरती पे पैदा होना एक बड़ी आम बात है, हर इंसान का जन्म होता है, जीवन चलता और मृत्यु हो जाती है, बट इस जन्म के बाद अगर जीवन को कुछ ऐसे मोमेंट, कुछ ऐसे अनुभव मिल जाए जिससे ज़िंदगी का स्वरूप बदल जाए, तो मुझे लगता है अगर उस मूवमेंट की हम बात करते हैं तो इंडियन नेवी का हिस्सा बन के ही उस मूवमेंट को पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी शिप्स हैं, किस कैटेगरी की शिप हैं जिनका हिस्सा आपको बनना है, और फाइनली उन शिप को यहाँ आप आज देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे, और आज कमिटमेंट भी करेंगे कमेंट बॉक्स में आकर के कि सर ये वो शिप है जिसका मुझे हिस्सा बनना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, खुद को भी गर्व महसूस कराना है और अपने परिवार को भी गर्व महसूस कराना है। तो आइए जानते हैं, देयर आर वन क्राफ्ट करियर शिप INS विक्रमादित्य, ऑब्वियसली इन सर्विस। अगर हम करियर शिप की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ी करियर शिप है वो INS विक्रमादित्य है। पहले ही INS विक्रांत इज अंडर सी वाटर ट्रायल जो कि 2022 में जो है कमीशन हो जाएगी और फाइनली वो फ्लोर पे होगी, बट अभी वो जो है प्री कमीशनिंग में चल रही है, ट्रेनिंग में चल रही है, ट्रायल बेसिस पे चल रही है, बट जल्दी INS विक्रांत मतलब 2022 में INS विक्रांत फाइनली जो है वो फ्लोर पे आ जाएगा। बट अभी अगर एयरक्राफ्ट करियर की हम बात करते हैं शिप की तो INS विक्रमादित्य। फाइटिंग शिप की हमेशा बच्चे बात करते हैं, तो फाइटिंग शिप की जब बात करते हैं तो डिस्ट्रॉयर जो हैं फाइटिंग शिप में हमारे पास वो 10 हैं, और फ्रिगेट्स की बात करें फ्रिगेट्स की हमारे पास 13 हैं, एंड कोवर्ट्स की हम बात करें तो हमारे पास 23 हैं। तो ये नंबर ऑफ शिप्स हैं जो कि हमारी फाइटिंग शिप कैटेगरी में आता है। अब आता है नंबर पेट्रोल वेसल्स की, पेट्रोलिंग भी की जाती है क्योंकि इतना बड़ा सी एरिया है तो लाजमी सी बात है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको पेट्रोल एंड मॉनिटर भी हम प्रॉपर करें, जिनमें ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स हो गई जो कि तट के पास रहती हैं, अमूमन ये इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर भी काम करती हैं, इनकी संख्या टोटल 10 है। तो ऑफ शोर आपकी जो है पेट्रोल वेसल्स हो गई जो कि 10 हैं, पेट्रोल वेसल्स आपके पास 19 हैं जो कि डीप तक जाती हैं, बहुत आगे तक जाती हैं और फाइनली अपने सारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने का कोशिश करती हैं, एंड पेट्रोल बोट्स की बात करें तो 110 क्योंकि छोटे छोटे भी मॉनिटरिंग चलती रहती है, तो 110 हमारे पास पेट्रोल बोट्स भी हैं। वहीं पहले ही लैंडिंग शिप की बात करें, जब हम जहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स हर चीज़ की लैंडिंग होती है जब उनकी हम बात करते हैं तो आई थिंक MPBS वॉरफेयर शिप की बात करेंगे 1 INS जलस्व जो कि हम बात करेंगे, ऑब्वियसली USA से हमने लिया इस चीज़ को। लैंडिंग शिप 8 हैं हमारे पास और लैंडिंग क्राफ्ट हमारे पास 7 हैं, तो ध्यान रखिएगा लैंडिंग शिप 8 हैं और लैंडिंग जो क्राफ्ट हमारे पास हैं वो 7 हैं। टॉर्पीडो रिकवरी व्हीकल हमारे पास 1 है जिसको INS आप अस्त्र धारणी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा टॉर्पीडो रिकवरी व्हीकल जो है 1 है INS अस्त्रधारणी। पहली ऑक्सिलरी फ्लीट की बात करें तो ऑब्वियसली ऑक्सिलरी फ्लीट में बहुत सारी हैं, जिसमें आप रिप्लेसमेंट शिप 4 हैं हमारे पास, सपोर्ट शिप्स 6 हैं हमारे पास, रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स 9 हैं हमारे पास, ट्रेनिंग वेसल्स 4 हैं हमारे पास, एंड टग बोट्स हमारे पास जो है वो टग बोट्स 19 हैं हमारे पास, मिसलेनियस 24 हैं। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस विल बी ग्रेड ऑब्वियसली इन द एक्स कैटेगरी एंड द रेस्ट SSR MR NMR ग्रेड इन द वाई कैटेगरी। मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि आई थिंक
एक सिलेक्शन सिस्टम तो आज समझते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है आप सबको, बिल्कुल जस्टिफाइड सिलेक्शन सिस्टम है, ऑनलाइन पेपर पैटर्न है, फेज वन में आप रिटर्न जाते हैं, ऑनलाइन फेज टू में जाते हैं। फेज वन की जब बात होती है तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एसआर, एमआर, एनएमआर का भी आप फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं। इसी में कमीशन कैटेगरी में ऑब्वियसली आईनेट को भी आप अब समझने लगे हैं प्रॉपर ढंग से। पहले ही हम जो डिस्कस करना चाहते हैं कि बच्चों का एक प्रश्न मेरे से अभी धड़ाधड़ चल रहा है कि सर हमने फेज वन सर क्लियर कर लिया है, फेज टू कब होगा? जल्द होगा यार, बट बच्चों का पहले ही प्रश्न होता है कि सर जो एग्ज़ाम टू होना था सितंबर महीने में, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी एक्सपेक्टेशन है यार सितंबर लास्ट तक फॉर्म आ जाएंगे और अक्टूबर में ये एग्ज़ाम शेड्यूल किए जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये समय तैयारी करने का है, इस समय लग जाने का है। बीइंग अ सौरभ सर, मैं लगातार आ रहा हूँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से दिखाऊँ, समझाऊँ, क्योंकि जिस लक्ष्य विशेष को आपने डिसाइड कर रखा है बच्चा, बहुत ज़रूरी है कि उसके विषय में डिटेल ढंग से आप हर बात समझें, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तब आपका जज्बा एंड कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा उस अच्छे विशेष को तय करने के लिए और उसको पाने के लिए। तो मैं यार अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ आपको वहाँ ले जाने की, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ आपके आत्मविश्वास को बनाए रखने की। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है यार कि आप भी पूरी ताकत लगा दो, और पूरी ताकत लगानी है ना यार तो फटाफट एमकेसी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, क्योंकि केवल डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक अच्छी तैयारी की भी ज़रूरत है। और मेरा मानना है अगर हम क्लासरूम प्रोग्राम में बेस्ट थे इस इंडिया में और बेस्ट हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासरूम में भी बेस्ट हैं, और इकलौता ऑप्शन है इस पूरी इंडिया के लिए, जहाँ जिस तरह क्लासरूम प्रोग्राम में आप जाके चार क्लासेस प्रॉपर करते थे अपनी मैथ की भी, इंग्लिश की भी, जीके की भी और साइंस की भी, पहले ही आप यहाँ ऑनलाइन पोर्टल में भी आकर के चार पीरियड डेली लाइव करेंगे, अपने टीचर से इंटरेक्ट करेंगे और पढ़ करके वैसा ही आत्मविश्वास बिल्डअप करेंगे जैसा ज़रूरी है। एग्ज़ाम डेट तो आएगी यार, बट एक मौका ही पर्याप्त होना चाहिए आपको आपके लक्ष्य पर ले जाने के लिए। तो मेरा उद्देश्य यही है यार, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लग जाना है। विषम परिस्थितियों में जो खड़ा होकर के डट करके किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करता है और खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार करता है, आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार करता है, वही रियल फौजी कहलाता है यार। और फौजी बनना है तो भाई सोच को बदलो, फटाफट जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और तेज़ी के साथ तैयारी में लग जाइए और आने वाले एग्जाम की वाट लगा दीजिए। और मैं कमिटमेंट करता हूँ यार कि सितंबर अक्टूबर मंथ आपके लिए कमाल का होगा और वाकई में इंडियन नेवी के आईएनएस चिल्का एकेडमी का आप हिस्सा बनेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द एमकेसी लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।